देखो भोला, जितने भी बच्चे हो है ना, एकागो के छोड़ के 3 बजे 5-6 दिन के लिए आ जाओ ना, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमको आने से हमको थोड़ी कि आपसे हम पैसा मांग रहे, बस चलते मेरा मेहनत भी जा रहा है, शरीर भी पतला हो रहा है, सारा मेरा ही खर्चे हो रहा है। लेकिन बाबू चाहते कि थोड़ा सा मैथ जो आप लोग गलत किए हो ना, 1 नंबर 2 नंबर टेस्ट में क्वेश्चन पावर वाला, -1 के पावर 101, यह देखो कौन से कौन लिखा है, -1 के पावर बाबू है ना, अंशुजीत लिखा है, कौन लिखा जी, -101 फिर इसको 98 करके लिखा है, कोई लिखा है ना। सर अब मैं इसका नहीं वैल्यू, लिखा हूँ सर। अब इसका वैल्यू आगे क्या होता है जानवे नहीं करता, -1 के पावर 98 का वैल्यू क्या होता है जानवे नहीं करता। तो आ जाओगे ना तो सीख लोगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसीलिए आ जाओ, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई याद फायदा करवा नहीं लीजिए है, सर, ठीक मैं ऐसे नहीं है ना। लिखा हूँ सर। मैक्सिमम बच्चा गलत करता है, एक्सपोनेंट एक बार सिखा देंगे 5-6-7 दिन, और एक बार थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह जिसको कमजोर रहेगा वो सिखा देंगे तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। चलो शुरू ऑन करो जी। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, केमिस्ट्री। अब इसको फिनिश करेंगे 1-2 दिन में, इसके बाद मैथ में एंट्री करेंगे, तो पहले लाइन और एंगल्स पढ़ा देंगे किसी का, है ना। मैथ चलेगा तो चलेगा कंटिन्यूअस। तो आपको बाबू हम लोग क्या सिखा रहे हैं, मोलकुलर फॉर्मूला लिखे लगे, है ना। तो जितना आपको बता दिया उतना याद रखिएगा, स्कूल में क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत नहीं बनेगा तो स्कूल के टीचर आपको बताइए देंगे बाबू, है ना, क्योंकि हर एक स्कूल का अपना नौटंकी होता है बाबू। तो पहला क्या है सर, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बाबू पोटेशियम, 50 नंबर क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक सर, है ना। तो पोटेशियम ऑक्साइड में पोटेशियम का सिंबल क्या होता है सर, के होता है। ऑक्सीजन का हम लोग क्या लिखेंगे सर, ओ लिखेंगे, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, हाँ सर बात तो समझ में आता है कि नहीं भोला, ठीक सर। अब पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, आपको बताए थे पोटेशियम का वैलेंसी कितना जी, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना, 2, तो ये 2 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, मतलब क्या बनेगा मनीषा साहू, अरे शैतान कुछ जो ना, मोलकुलर का मोलकुलर फॉर्मूला लिखा लेना, उसका क्या लिख लो, सिंबल लिख लो, पोटेशियम को कैसे इंडिकेट करता है कृतिका, ऑक्साइड को कैसे इंडिकेट करती हो, उसके नीचे वैलेंसी लिख दो, एक का वैलेंसी पोटेशियम का वैलेंसी एरा पास और एक का वैलेंसी एरा पास, तो क्या बन जाएगा आपका, बनेगा क्या है, 2 यहाँ जाएगा तो K2 हो जाएगा, यू हो जाएगा, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा सर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, शांति से समझना, क्या बन जाएगा, K2O बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आगे समझना, शांति से समझना, ठीक सर, बाद में लिखना बाबू मानुष का, 16 नंबर क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ठीक सर। तो डरेगा काला डरेगा बाबू आदित्य भोला, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सर, तो मैग्नीशियम के बाबू सिंबल क्या होता है सर, अभी याद करवेगा कि मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg होता है, ठीक सर। ऑक्साइड का क्या होता है सर, ऑक्सीजन, ओ होता है, ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना सर, 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी सर कितना सर, 2, तो जब सेम वैलेंसी रहेगा ना तो बाबू सिंपल फ्रैक्शन में लिखना, आपको कल बताया था ना एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह बाबू, तो देखना जिंदगी में जब भी सेम वैलेंसी 2 2 आ गया तो ई बाबू है ना सिंपल फ्रैक्शन में इसको, मतलब सिंपल रेशियो में, तो ये 2 2 भोला मान लो 2H2 2 है, तो ये 2 2 कट के कितना होगा, 1H2 1 बचेगा, जैसे 3 3 रहेगा तो उसका क्या होगा, सिंपल रेशियो में 1H2 1 आएगा, 4 4 है सेम रहेगा बाबू, या कोई दूसरा भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो 4:2 हो गया, शांति समझे, जैसे 4:6 है तो ऐसे लिखेगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना। तो कौन सा नंबर है बाबू जिसमें 2 भी आ जाएगा 6 भी आ जाएगा, तो 2:3 इसका हो जाएगा। तो जब भी बाबू यहाँ पे मतलब सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, अगर कटेगा कोई कॉमन नंबर से तो काट के सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है ना, हाँ सर ठीक है ना बाबू, हाँ भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू ये रोशनी, अब बाबू अस्मायरा नहीं आई, जसमायरा ठीक, नेक्स्ट बाबू ये श्रुति ऑन करो जी वीडियो, श्रुति बाबू ऑन कीजिए, नेक्स्ट, तो ये 1H2 1 होगा मनीषा साहू, तब खराब है सर, ये Mg का 1 बाबू और यहाँ ऑक्सीजन का 1, मतलब क्या बनेगा, Mg1O1, तो 1 1 अच्छा नहीं लगता है ना, हाँ सर। तो ये अल्टीमेटली इसको क्या लिखोगे, MgO लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, MgO होगा, क्या होगा, MgO होगा। तो ये सब आगे बाबू आप 10th में जाओगे ना तो वहां टीचर लिखेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इतना बताने नहीं जाएगा, आपको खुद सोच के लिखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, पोटेशियम ऑक्साइड का K2, वहां पे खुद आपको सोचना है, तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना सोचोगे, और नहीं क्लियर रहेगा तो इसी ऊपर ऊपर फिर पार हो जाएगा, है ना। राइट डाउन करो, 1 2 और बताते बाबू, राइट डाउन करो, कार्बोनेट बताते बाबू,
बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना लिखा है मनीषा साहू? मनो वीडियो ऑन करो जी, मनो करो यस जी। श्रुति का तबीयत खराब है। आदित्य कहाँ गया जी? ए मयंक शैतान, अभी तो भलक मयंक नहीं ना, 10 बजे ना है जी मयंक जी। ए करते अदिति बाबू, स्कूल से कै बजे आता मयंक जी? अदिति हैं। हम लोग 40 2:45 हो जाते हैं। हाँ, तो उसको कल कहना कि 3 से बाबू आधा घंटा आके पढ़ लेगा। एक्सपोनेंट वाला वही लगता बच्चा का जेदम, ऐसा खतरनाक खतरनाक गलती किया ना बाबू कि बने समझो ना, 10 माह का बच्चा बाबू एकदम लगता है सुसाइड आदमी कर लेगा। कैसे पापा जी जीवित हैं भोला। तो फिर वो नहीं करेगा बोला। आधा घंटा नहीं करेगा तो बकलोल रह जाएगा फिर पढ़ने में, कैसे सीखेगा जी? आधा घंटा तो का तो बात है जी, बेसिक है। सर पापा को बोलिएगा, पापा उस तो बोलेंगे नहीं, तो मम्मी को मना कर दिया, बोला नहीं करेंगे। नहीं कहा जरूर कहो, कै बजे पापा जी आएंगे जी? सर पापा आ गए हैं। देखो ना जी, ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक गलत किया बाबू यस यार। सर, हम उससे बाद में पूछे थे तो पता चला कि उसका तो कुछ सही नहीं था। मुंह दिखाने लायक नहीं, देखो ना दिखाते आप लोग के बाबू। देखो बोला क्या क्या किया है, -3 के पावर -2, 1/-9 लिखा है ना, -2 के पावर -3 -8 लिखा। तो यही सब आपको सिखाएंगे 3 से 3:30 में, है ना? तो आओगे ना तो थोड़ा सा ये सब कैसे सोल्व होता सीख जाओगे। देखो ना उल्लू जुल्लू यही था, -1 के पावर 98 है, अब इसके बाद बता का सोल्व ना हुआ है ना, -1 के पावर 98 लिखा ना, अब इसके बाद इसको सोल्व ना हुआ। शैतान है, तो आएगा तो सीखेगा पापा से। रात में कै बजे सोते हैं पापा जी बाबू? सर पापा जल्दी सो जाते हैं, तो आप ऐसे बात कर लीजिएगा ना क्लास के बीच में। अच्छा ठीक, लिखो 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 जल्दी बाबू। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे, है ना? फिर से समझेंगे। ठीक ठीक भोला। देखो क्या बाबू, लिख लिया सब जी? आगे क्या सर? बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है सर। अब हमारा डर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? डर बढ़ रहा है ना, डर बढ़ रहा है। डरना नहीं बाबू। अब बाबू इसका क्लास मैम, हेलो ये अस्मायरा का क्लास मैम आ भाई है, आ भाई है, लेट से आती है। ठीक है मैम, आने दीजिए, कूटते हैं। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से हम लोग सीखेंगे, है ना? कौन है सर मैग्नीशियम? 17 नंबर, क्या है मैग्नीशियम? कल नहीं आई है, कहाँ जाओगी? अच्छा स्कूल में पूरे दिन रुकना ठीक है, पहले अभी पढ़ो, कल की बात कल। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है सर, तो कैसे होगा? मैक्सिमम बच्चा को बाबू नहीं आता है, आप लोग पूछना अपना फ्रेंड से, मेरा बच्चा बाबू टन टन रहेगा। कैसे करेगा? मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखेगा Mg। हाँ सर। और बाबू कार्बोनेट का फॉर्मूला, बाइकार्बोनेट का क्या लिखेगा? HCO3। हाँ सर, आपको बाबू लिखाइले हैं बाइकार्बोनेट का, भोला है आपको जब लिस्ट लिखा है निगेटिव रेडिकल में, तो आपको वहां पे बताया गया है। कितना वैलेंसी लिखाया गया बाइकार्बोनेट का बाबू? मनीषा कृतिका वन वैलेंसी कितना? वन हाँ तो वैलेंसी याद रखना है बाबू। अस्मायरा आज आके कूटते हैं अस्मायरा, एक दिन 15 अगस्त दिन आपको आजाद करते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना सर? 2। बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 सर। ई वाला एरा पास और ई वाला एरा पास। तब यहाँ लिखने का कला होता है, कैसे होता है वही आपको सीखना है। ऐसे होता है, कैसे होता है बाबू कृतिका? Mg है बाबू, 1 आएगा बाबू, आ HCO3 है, तो ऐसे 2 लिखेगा तब 32 ना हो जाएगा जी, ब्लंडर में। अरे ये 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे लिख देगा तो 32 हो जाएगा ना, बोला 32 हो जाएगा, गलत है कि नहीं सर?
ये जो टू वैलेंसी जाता है पूरे एटम के पास जाएगा, जो पूरा एससीओ मोलकुलर उसके पास जाएगा। तो पूरा के पास कैसे रिप्रेजेंट करोगे बड़ा एकेट में, तो इसको कैसे पढ़ोगे, एम जी एस सी ओ थ्री के होल टू, एच सी ओ थ्री का कितना होल टू, तो वन अच्छा नहीं लगता है ना। तो यही मैग्नीशियम क्या है, बाइकार्बोनेट है, एम जी एच सी ओ थ्री के बोला होल टू, हमको नहीं समझ में आया। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऐसे करोगे, बोला कैल्शियम का भी बैलेंस दो होता है, पोटेशियम वाला देखो 18-17 नंबर बाबू, 18 नंबर खुद करना, 19 नंबर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चा डरेगा ना उसका, नहीं डरना बाबू, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ना, ठीक से। तो पोटेशियम का कितना बोला, के होता है, कितना होता है अथर्व, के होता है। बाइकार्बोनेट का कितना होता है अथर्व, एच सी ओ थ्री होता। पोटेशियम की वैलेंसी अथर्व बाबू वन, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी वन, एक कर यहाँ पे भेजो, एक कर यहाँ भेजो बाबू कृतिका, तो क्या बनेगा श्रुति, के वन एच सी ओ थ्री के वन। तो बार बार बोले वन वन अच्छा नहीं है, सुंदरता में चार चांद है ना बाबू, सुंदरता इसका खराब हो जाता है, तो क्या बनेगा, के एच सी ओ थ्री, मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, भोला के एच सी ओ थ्री हो जाएगा। लिखो कुछ कुछ और का दुगो समझाते हैं, कोई जो जो छोड़ते हैं उसको खुद कहे, मनोविज्ञान करो जी, लिखो यस सर, जल्दी अस्मायरा। देखो सर जल्दी लिखो भोला मेरा, अच्छा नेक्स्ट भोला लिखो, निको आदित्य लिख कहाँ गया जी, आदित्य बाबू कन्ने हो जी, रहे हैं। यस सर, हाँ बोला, जो जो डाउट है बाबू देख लिया जी, कहाँ कहाँ डाउट है जी। यस सर, बोला थोड़ा सुधरो आदित्य बाबू, ठीक है ना, नहीं सुधरोगे क्या करोगे, बहुत आपको करे बाबू, नहीं तो अल्टीमेटली बाबू शिवेंद्र का हाल हो जाएगा। जल्दी लिखो जी, सब गार्जियन के बाबू पेरेंट्स अलग अलग है ना जी, किसी के बाबू गार्जियन करोड़पति है तो नहीं भी पढ़ता कोई दिक्कत नहीं है, किसी के गार्जियन मिडिल परिवार हो तो नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, बात समझो है ना। बोला नेक्स्ट बाबू 18 नंबर कर लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाँ सर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे सर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के एच सी ओ थ्री है तो सोडियम बाइकार्बोनेट एन एच सी ओ थ्री होगा। अरे सोडियम बाइकार्बोनेट के कहेगा भोला सर बाबू बाबू कृतिका, जैसे मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट है, समझ में आता है आप कृतिका की नहीं आता, बोली केमिस्ट्री यस सर, केमिस्ट्री हो जाता है। हो जाता है ना। तब अगला अब मैथ का है ना, पिटारा खोलेंगे तो मैथ खोलेंगे तो फिर मैथ भी हो जाएगा। सोडियम का क्या सर, एन बाइकार्बोनेट का क्या सर, एच सी ओ थ्री, सोडियम की वैलेंसी वन सर, कार्बोनेट की वैलेंसी वन सर, एकर वाला यहाँ एकर वाला यहाँ, यही तो करना है, तो क्या बनेगा एन एच सी ओ थ्री बनेगा, क्या बनेगा बोला, एन एच सी ओ थ्री बनेगा कि नहीं बाबू मनीषा, एन एच सी ओ थ्री बनेगा।
ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से शांति से सुनेगा, अब इतना भी नहीं समझोगे तो कहीं नहीं समझोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जिंक सल्फाइड, क्या है सर? जिंक सल्फाइड, हाँ सर, क्या बाबू? जिंक सल्फाइड है, क्या है? जिंक सल्फाइड है ना, ठीक सर। तो जिंक का बाबू जेड एन, सल्फाइड का बोला एस, जिंक का जेड एन सल्फाइड का एस। जिंक के बैलेंसी कितना था बोलो जी, जिंक के बैलेंसी कितना बाबू? अथर बोला जिंक के बैलेंसी कितना? चल फोर जिंक के बैलेंसी चार जी, जियो टू दो टू टू सर, है, दो टू दो दो है। सर, दो और सल्फाइड का, सल्फर के बैलेंसी चल दो टू फाइड का दो। दो दो मर जाएगा तो मर जाता, सेम चीज मर जाएगा तो वन वन बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये दो दो मर के वन वन बचता है, सेम चीज रहेगा मार देना, सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है ना। हाँ सर, यहाँ देखो बाबू वन वन था तो वन वन हो गया बोला, तो आइए क्या बनेगा? जेड एन एस बनेगा, एक कर बोला यहाँ, एक कर बोला यहाँ, तो क्या बनेगी भोली कृतिका? जेड एन एस बनेगा। अब तो बाबू आशा करते आप लोग अब समझ गए होंगे। तो जिंक सल्फाइड कितना होगा? जेड एन एस होगा। लिखो लिखो अस्मायरा, कहाँ चली जी अस्मायरा? ए अस्मायरा कहाँ चली जी? लिखो अनुष्का, जल्दी लिखो जी। सर इसी के मदद से ना थी बैलेंस इक्वेशन करते हैं सर। आप इक्वेशन बैलेंस करना अलग बात है बाबू, वहां पे नंबर ऑफ आइटम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ बैलेंस आपको 10th में सिखाया जाएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करके चैप्टर है, सेकंड नंबर है ना, 9th में नहीं है वो, आपको 10th में सिखाया जाएगा। सर रुक जाइए सर, नीचे नहीं हुआ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। और कौन है सर? कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बोला ये सब करना बाबू, ये सोडियम सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड करना बोला, नाइट्रेट का बताते हैं हो ना, कुछ गया कुछ 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 अपने से करो कि नहीं बाबू? हाँ सर कर लेंगे सर, अब हमारा टेंशन थोड़ी है, अब तो हम सीख गए एकदम है ना, ठीक सर। देखो बोला 24 नंबर बाबू, अल्मोनियम नाइट्रेट, देखो मनीषा साहब 24 नंबर क्या होगा? एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला? एल्युमिनियम का क्या होता? एल होता, एल्युमिनियम का क्या होगा निको? एल होगा। नाइट्रेट का क्या होता है सर? NO3 होता है, ठीक। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना होता है सर? तीन होता है, तीन और नाइट्रेट का कितना होता है जी? एल्युमिनियम नाइट वन थ्री वन है ना, ठीक सर। अब बा कौन जाएगा बोला? ये तीन जाएगा नाइट्रेट के पास, A1 जाएगा इसके पास, फॉर्मूला क्या बनेगा? Al1NO3, तो ऑलरेडी है तेरा पे 3E3 लिखेगा तो 33 ना हो जाएगा जी, है ना? ये जो भी वैलेंसी होता है भोली अनुष्का, ये दोनों के लिए होता, मतलब NO3 के होल होल थ्री है ना, तो यही क्या हो गया? एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, एल्युमिनियम और नाइट्रेट में NO3 के होल थ्री है ना, ठीक सर। बात तो समझ में आती है। अच्छा ठीक ठीक कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट ये सब बहुत यूज होता है, बहुत भविष्य में यूज होगा जी।
कैल्शियम नाइट्रेट मनीषा साहू, क्या बाबू 25 नंबर? कैल्शियम नाइट्रेट है ना? हाँ सर, तो कैल्शियम का वैलेंसी सी ए, नाइट्रेट का वैलेंसी NO3, कैल्शियम का बाबू सिंबल सी है, वैलेंसी 2, नाइट्रेट का 1, 2 जाएगा नाइट्रेट के पास, 1 आएगा कैल्शियम के पास, मतलब क्या बनेगा इसका? क्या का CNO3 का स्वराज, और स्वराज का एक दिन क्लास लेना बाबू, उसके गार्जियन कंप्लेन कर रहे थे, है ना बाबू? स्वराज, ए स्वराज, स्वराज तो आ गया था आज 3 बजे, क्या बनेगा बाबू? CaNO3 का होल 2 बनेगा, लिखो भोला, समझ में आता है स्वराज बाबू? क्या बोला स्वराज? यस सर। हाँ, तो 15 दिन, 15 अगस्त को स्कूल जाना बाबू, नो सर। देखते हैं वो 15 अगस्त को आप लोग को छुट्टी देंगे बाबू, सब बच्चा प्रोग्राम करेगा, बाकी जो बच्चा टारगेट पे है भोला, उसके गार्जियन से सामने फेस टू फेस बात करके कॉपी चेक करना है, क्या याद किया, याद कर लेना स्वराज बाबू, क्वेश्चन पूछेंगे बोला, यस हमारे यहाँ कोई भी बच्चा पढ़े में कमजोर नहीं है जी, सब बच्चा तेज है पढ़े में, इतना आप लोग का बाबू कूटा ही जाता है, इतनी जल्दी लिखो, हो गया। एक बार सुमायरा है थोड़ा सा कमजोर है, और निको का भी बाबू, 15 अगस्त को छुट्टी है ना निको, निको निको 15 अगस्त को छुट्टी ना जी, देखो ना क्या कर रहा, नेक्स्ट बाबू लिख ली कृतिका, यस सर। चलो बाबू अच्छी बात है, तो इसी तरह बाबू 26 नंबर सोडियम नाइट्रेट है, याद रखना इस सम, सोडियम का वैलेंसी कितना? 1, नाइट्रेट का 1, तो NaNO3 आएगा, क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा, है ना? मतलब क्या सर, 26 नंबर क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, कौन है? सोडियम नाइट्रेट है ना? हाँ सर, 26 नंबर में कौन है बाबू? तो आशा करते आप लोग को बाबू समझ में अब आ गया होगा, अगर इतना यस इतना से नहीं समझोगे तो जिंदगी में कभी ना समझोगे, सोडियम नाइट्रेट है सर, डरेगा काले डरेगा, सोडियम लिखेगा डांस करते करते, एन नाइट्रेट लिखेगा डांस करते बाबू, लक्ष्मी NO3, इसका वैलेंसी 1, लक्ष्मी इसका वैलेंसी 1, ई एरा पास जाएगा, ई एरा पास जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी बोली स्कूल से कई बजे आती हो जी लक्ष्मी? NaNO3, तो क्या होगा? 2 बजे आती हो, तो आधा घंटा 5-6 दिन क्लास कर लीजिए, नहीं तो आके बहुत ज्यादा दूर में नहीं हो, ढूंढ देंगे आके, आधा घंटा पढ़ने में भार पड़ता है जी, आधा घंटा तो करना, कल आ जाना लक्ष्मी, समझे जी? अरे लक्ष्मी बोली आप ही के भलाई के लिए कर रहे हैं जी, इसमें हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, खुद नहीं समझता जी आप, में आप लोग मेच्योर बच्चा बाबू, सर आज बाहर गए हुए थे। हाँ तो कल आ जाएगा, अभी 7 मिनट वाला वीडियो भेज देते जो आज पढ़ाए, मात्र 7 मिनट बाबू, ग्रुप में डाल देते, देख लेना फटाक से, नहीं है ना ज्यादा देर, हम नहीं 10-15 मिनट पढ़ेंगे, 15-15 मिनट पढ़ेंगे वो एकदम तेज हो जाएंगे जी, एक्सपोनेंट बहुत जरूरी होता है, इतना जरूरी बाबू कि जितना आपका बाबू ब्लड है, पोटेशियम नाइट्रेट, डरेगा जी अदिति, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बाबू? पोटेशियम नाइट्रेट लिखो भोला, है ना? हाँ सर, पोटेशियम का केसर, नाइट्रेट का NO3 सर, पोटेशियम की वैलेंसी बाबू कृतिका 1 बाबू, नाइट्रेट का भी 1 सर, ई एरा पास, ई एरा पास, तो KNO3 हो जाएगा, क्या बनेगा? KNO3 बनेगा, हाँ जल्दी लिखो,
इसमें एक टर्म आपको बाद में पढ़ा देंगे, बोला मोल कंसेप्ट, ऐसे कहोगे तो पढ़ा देंगे है ना, मोल तीन चार क्लास और ज्यादा लंबा लग जाएगा, नहीं तो कभी छुट्टी उट्टी मिलेगा तो पढ़ा देंगे मोल कंसेप्ट। तो क्या फायदा होगा सर, बोला अभी मैथ भी शुरू करना है ना, मोल कंसेप्ट बाबू, कैसे हम लोग मोल्स वगैरह आइटम वगैरह निकालते हैं ना, उससे ये पता चलता है, एक टॉपिक है बाबू है ना क्लास 9 के सिलेबस में मोल कंसेप्ट करके। सिखा दीजिए सर उससे बढ़िया था। जलील को जी स्कूल में मोल्स कंसेप्ट पढ़ाया गया? कृतिका बोली नो सर, तो नहीं पढ़ाया गया तो बाबू तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन सर, वो तो पता ही नहीं था कि मोल कंसेप्ट भी है, और केमिस्ट्री में एटम्स को स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ। बोले आपके स्कूल में नहीं केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, वो और महानुभाव है सेजल कि नहीं सेजल, इसके भी स्कूल में केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट हुआ, कहाँ जी सेजल, कहाँ बैठी हो जी, आज लगता नहीं आई, कहाँ जी नहीं आई सेजल, आज तो गायब है जी, उसका उसका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया होगा, उसके भी क्लास में बाबू अभी बाबू केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ ना, मैं बता अवंती में क्या होगा, स्कूल का फंडा बताते बाबू है ना, अभी आती तो आपसे बातों करवा देते हैं, उसका मोबाइल टीचर आएगी कल आ जाएगी, अंतिम में टीचर आएगा ठीक खोज के लाएंगे, टीचर के एंट्री करने से पहले प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देगा सर केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट हो ले तो थोड़ा जल्दी से घींच दे बोना ठीक है ना, चूंकि टाइम कम बच रहे ऐसे होता है, तो टीचर आएगा राजधानी एक्सप्रेस में पढ़ाना शुरू, मैक्सिमम बच्चा को ऊपर ऊपर पार हो जाएगा है ना, तो आपका बाबू स्कूल का भी काम निकल गया, सिलेबस खत्म हो गया, आप लोग भी खुश बाबू सिलेबस हमारा खत्म हो गया, समझ में आवे चाहे नहीं आवे ऐसे होता है बाबू सारे स्कूल में है ना, टीचर स्कूल भी बल्ले बल्ले है ना बाबू, एक साल का सिलेबस 3 महीना में खत्म कर देता, 9 महीना का पैसा बच जाता स्कूल वाले का है ना, तो ये सब बिजनेस पॉलिसी बाबू धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोग को। नेक्स्ट बोला हाइड्रोजन सल्फेट है ना, हाँ सर डरेगा नहीं डरेगा, हाइड्रोजन सल्फेट इसी को बाबू कॉमन नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो बहुत कम यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब तक जिंदगी हो ऐसे रहेगा, तो इसी को कॉमन नेम हम लोग क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे है ना, हाँ सर ठीक, तो हाइड्रोजन का क्या होता बाबू H होता, सल्फेट का क्या होता SO4 होता, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता, सल्फेट की वैलेंसी 2 होता है, हो गया एक कर वो कर एक कर H2SO4, सल्फेट की वैलेंसी हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फेट पे है ना, हाँ सर, तो ये आपका क्या बनेगा गठबंधन करके H2 बनेगा SO4 बनेगा, तो यही H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना बहुत यूज होगा, इसी को बाबू हम लोग H2SO4 को ही कॉमन नेम क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, आप लोग बैटरी वगैरह देखते हो घर में जो बेसिन टॉयलेट वगैरह साफ करते हो ना, हार्पिक छोड़ दो गरीब वाला टॉयलेट है ना, पीला पीला बाबू एसिड मिलता है, थोड़ा में यही रहता है सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना ठीक। एक सर 29 नंबर, ये सब अपने खुद करना, पोटेशियम सल्फेट ये सब खुद करना बाबू, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट सर, पोटेशियम नहीं जी अभी मोल कॉन्सेप्ट नहीं, अभी और है इसमें पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट ये सब खुद करना ठीक है ना, उम्र का आज ये सब खुद करना, और बाबू मैग्नीशियम सल्फेट बहुत हो गया, है ना ठीक सर। नेक्स्ट बाबू अभी जो मॉलिक्यूल सब लिखा बाबू इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है ना, इसको थोड़ा सा समझा देते बाबू, कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मोल कंसेप्ट भी पढ़िएगा, पढ़िएगा तो 3-4 क्लास घिंचाएगा, नहीं तो बाद में कभी छुट्टी उट्टी मिलेगा तो उस समय पढ़ना, अभी इसमें भी और है बाबू
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अभी एक दो टॉपिक और है तभी खत्म नहीं हो रहा, जल्दी लिखो सर, तो खत्म करते जाइए सर आराम से, जल्दी लिखो जी। लक्ष्मी कल 3 बजे आ जाना बाबू, नहीं तो ढूंढ देंगे, बोले आप ही के भलाई के लिए कर रहे हैं, वो आधा घंटा पढ़ लोगे आपका ऐसा कुछ नहीं होगा बोला, लेकिन पढ़ लेने से बेसिक मैथ वगैरह हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ आप लोग आओगे तो हमको पैसा दोगे, इसके नहीं है, आइए पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिक वगैरह क्लियर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, काहे नहीं आती सपना सपना, क्या सर 3 बजे आपको भी आना सपना। ए मनीषा वीडियो ऑन करो, लव सेता ऑन करो जी, वीडियो भी बंद के लिए मनीषा लव ऑन करो, शांति नहीं ऑन करो जी। सर ये क्या लिखे पोटेशियम, आप दिख नहीं रहा है इसको, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एस के बाद आप क्या लिखे नहीं दिख रहा है वहां पे, अरे शैतान पोटेशियम नहीं स्पेलिंग लिखा था जी, अध्याय प्रभु हम ठीक है नहीं दिख रहा था, अपना कुछ कॉमन सेंस लगाओगे ना जी, पोटेशियम सल्फेट है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू कैलकुलेशन ऑफ बाबू मोलकुलर मास, अभी सब कहेगा मोलकुलर मास कितना होगा है ना, तो मोलकुलर मास बाबू आपको राउंड में जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो सारे मोलकुल का वो कहेगा मोलकुलर मास निकालने के लिए, ठीक, मोलकुलर मास आपको निकालने के लिए आना चाहिए, तो सुंदर से फेयर बना लिए कृतिका वाली, फेयर किया बाबू, शूट करो जी, सारे बच्चे का लिखा हुआ रहना बाबू, लिखा हुआ रहना चाहिए जी, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक ठीक सर। देखो कैसे निकालोगे बाद में डिफाइन करेंगे, पहले समझा देते हैं ना, और एग्जाम्पल हो पहले समझा दे तो उसके बाद आपको डिफाइन करेंगे। मोलकुलर मास होता क्या चीज है सर, 28-32 तक हुआ ना बाबू, 33 से करते हैं भोला, ऊपर डिफाइन करेंगे पहले समझो, एग्जाम्पल नंबर 33, जैसे H2O का कहेगा मोलकुलर मास, H2O क्या पानी है, क्या पानी है, ठीक, अब इसका कहेगा मोलकुलर मास निकालने लगा तो डरेगा नहीं आपको बाबू, हाइड्रोजन एटम का मास बाबू लिखना है और ऑक्सीजन एटम का मास लिखना, और दोनों के मास लिख के क्या कर देना, सम कर देना, मतलब क्या सर, हाइड्रोजन का बाबू एटोमिक मास कितना होता है, 1 mu लेंगे, मास को हम लोग amu आगे बताएंगे, amu का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, अगर लिख लेते बादल बना के, एएमयू का फॉर्मूला क्या होता बाबू, एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या है सर, अरे कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है एएमयू, खाली डरा जैसे सब्जी लाने जाओगे तो बोलते हो ना कि हमरा बाबू क्या दो सब्जी दो, तो 1 किलो बोलते हो कि नहीं बोलते, 1 kg सब्जी दीजिए, 1/2 kg सब्जी दीजिए, कपड़ा लाने जाते हो है ना बाबू, मान लो बाबू आपको कुछ सिलाना है तो कहेगा 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, दूध लाने जाते हो तो कहते हो 1 लीटर दूध दे दो, 1/2 लीटर दे दो, तो ये जो बाबू केजी हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, फीटर हो गया है ना बोला, ये सब क्या है यूनिट है, तो बाबू हम लोग जैसे मीटर है तो लेंथ को नापेंगे, किलोग्राम है तो भारी को नापेंगे, कोई कितना भारी है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार वो आइटम के मास को कैसे नापोगे, ओकरो लगे कुछ यूनिट होगा ना, तो आइटम के मास को हम लोग नापते हैं एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, मतलब आइटम क्या होता है बहुत छोटा होता, सोचते ना जी आइटम को आप ओपन आई से नहीं देख सकते तो बहुत छोटा होता, और उसके मास को नापना, तो उसके मास को नापोगे तो उसको नापने के लिए जो है ना वो क्या हम लोग स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, तो वही आइटम को जो जिस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे ना उसी को क्या कहते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, बात समझ में आता, मतलब आइटम का बाबू वजन हम लोग करते हैं किस यूनिट में,
एएमयू में, बस सीधा सी बात समझो। सब्जी लाओगे तो किलोग्राम में वजन करोगे, कपड़ा लाओगे तो मीटर में, दूध लाते तो 1 लीटर दा, 2 लीटर दा, तो लीटर मीटर है बाबू, ये सब कहाँ है, ये सब यूनिट है, तो आइटम को कैसे नापेगा, तो आइटम को नापेगा एएमयू में, है ना। ठीक ठीक सर, समझना। वाह बाबू लक्ष्मी, बड़ी खुश है। तो हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16 MU होता है। अरे एटोमिक मास लिखा है कि नहीं लिखा है बाबू, है ना, तो उसी के आसपास का राउंड फिगर वाला। ठीक, तो H2O का क्या है बाबू? मोलकुलर मास। H2O का मोलकुलर मास कितना हो जाएगा? शांति से समझना। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है सर। अरे एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कई हाइड्रोजन? 2 तो 1 × 2 प्लस किसका लिखना? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना? 16। अब इसको सोल्व करो, 16 × 2 = 18। तो वाटर का कहेगा कितना बाबू एटोमिक मास होगा? तो 18 MU हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 एटोमिक मास यूनिट हो जाएगा ना। इसको फिर आगे आपको बाबू किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर सिखाएंगे, है ना, जैसे हमको नहीं समझ में आता। निकाल के क्या करेंगे इसका बाबू? आगे ही होता बाबू मोल कंसेप्ट वगैरह में, है ना, मोल कंसेप्ट में, ग्राम एटोमिक मास में, वहां पे इस सब का यूज होगा, है ना। मोल कंसेप्ट निकालने के लिए एटॉमिक मास यूनिट आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो वहां पे आपको यूज होगा, जैसे H2SO4 अभी ताजा ताजा है बाबू, तो इसका कहेगा वो मोलकुलर मास निकाले लगता। कैसे निकालेगा? तो हाइड्रोजन का होता 1, सल्फर का होता 32, हाइड्रोजन का कितना होता है? एक आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम का कितना होता है? 1 होता है, 1 MU होता है। मन से पढ़ना बाबू स्वराज। ठीक बाबू, सल्फर का होता है बाबू 32, एक सल्फर आइटम का कितना मास होता है? 32 MU। ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ये सारे के वैल्यू रखो भोला और सोल्व करो, मतलब मोलकुलर मोलकुलर मास कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कृतिका? ऐसे निकालेंगे। मोलकुलर मास बाबू H2SO4 का कैसे निकालेगा? तो 2 हाइड्रोजन है जी, हाँ सर, तो 1 × 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर 1 तो 32 प्लस, आइटम चेंज होगा प्लस देना, हाइड्रोजन से सल्फर प्लस 2, सल्फर से ऑक्सीजन प्लस 2, एक ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है, 4 हुए थे, 16 × 4 2 + 32 + 64 कितना हो जाएगा? 32 × 96 = 98 हो जाएगा। तो यही होता MU होता है ना, मास। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता भोला, है ना बाबू, किसी भी बाबू जो आइटम है, आइटम क्या, वो आइटम मिलकर क्या बने, मोलकुल बनाएगा, तो मोलकुल का जो मास हम लोग लिखेंगे ना उसी को कहते हैं, है ना बाबू, मोलकुलर मास कहते हैं। तो मोलकुल बहुत सारे आइटम का बना होता है, सारे आइटम का मास लिख लो और उसके बाद क्या कर दो, जोड़ दो, है ना, बस यही रहता है बाबू, और इसमें कुछ नहीं है ना। ठीक, तो डिफाइन कैसे करो बाबू? द मोलकुलर मास बाबू, द मोलकुलर मास, द मोलकुलर मास बाबू ऑफ ए सबस्टांस इज द, ऑफ ए सबस्टांस भोली, सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ये स्वराज बाबू आता है जी समझ में जी? यस सर। पापा जी सरकारी ड्यूटी करते बाबू? यस सर। क्या चीज में बाबू, रेलवे में है? नो सर, आर्मी में सर। आर्मी में है, तो साथ ही रहते बाबू की बाहर रहते हैं? सर साथ में रहते। चलो लिखो भोला। लेते आपका बाबू बृहस्पतिवार का क्लास बोला, बहुत खुश है निको, क्या कर रहा है निको? सर आपको बोला गया ना बाबू कि डेली बाबू जो लिखते उसको भेजो जी। सर हम लिखे हैं सर डेट वाइज। अच्छा डेट वाइज तो भेजता का नहीं है, बन रहा है प्लान, बन रहा है, आके ढूंढते हैं।
ठीक है ना, जल्दी लिखो। जल्दी लोग बने सबसे वो कृतिका, जल्दी लिखो जी। इसका हम लोग यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे सर, है ना, मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे तब यूज करेंगे। कंसेप्ट ब्लर दिख रहा है सर। भी पढ़ा दीजिएगा या बता रहे हैं तो। हाँ अभी इसमें बोला आपको बाबू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है ना, कंजर्वेशन ऑफ बाबू मास पढ़ना है। जल्दी लिखो जी। लिखी रोशनी, पहुंच गए घर जी रोशनी, बोली। अरे रोशनी घर पहुंचे जी कि नहीं पहुंचे जी, जल्दी बताओ कौन बताता बाबू, मोलकुलर मोस बाबू, आप बाबू, ग्लूकोन डी, कौन डी, देखो जल्दी और जी, फोन नंबर हो जाएगा। जल्दी करो जल्दी। अस्मायरा बाबू जल्दी लिखो, अस्मायरा गया कौन, अथर्व गया, अदिति, अथर्व तो है सर मैं बाबू, हूँ सर। हाँ बोला। तीन बच्चा गया कौन कौन जी, उसका हिसाब किताब करना, कीर्तिका, मनीषा, शांतनी, अनुजका, अनुष्का, 3 बजे आ जाना, बोले कहाँ खुश हो जी, अनुष्का कल 3 बजे आ जाना समझे, यस सर। नहीं आ गए बाबू तो फिर उठा बैठी करवा देंगे। ग्लूकोज का बताओ जल्दी से, आप लोग कैलकुलेट करो तो, चलो बाबू। बिल्कुल ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन का बाबू कितना होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जल्दी से कैलकुलेट करो तो मोलिकुलर मास ग्लूकोज का, जल्दी करो कौन करता है वो, 180 180 मोलिकुलर मास, जल्दी करो मनीषा साहू, ग्लूकोज कृतिका बोलो बाबू कितना होगा जी, सर। हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नहीं दिख रहा है। अरे शैतान इतना क्लियर तो है जी, अभी कहाँ नहीं दिख रहा जी, स्क्रीन शेयर नहीं किया जी, लो दिख नहीं रहा तो लिखी। सर हो गया सर। देखा जी सपना, हाँ सर, 180 सर शायद। ग्लूकोज का कितना होगा, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी, पियो रहो मत, 180 AM शायद। कितना है जी कृतिका, मनीषा 189 AM 189 आ गया जी, कैसे जोड़ दी बाबू, सब तो एफ बाई एफ में भी आना पड़ेगा कृतिका, देखो 12 × 6 में कैल्शियम का, ग्लूकोज C6 पर। हाँ तो 12 72 आई बार, और फिर से 16 × 6 सही था। अरे कृतिका
एक कार्बन 12 कै गो है? 6 गो है। प्लस कुछ एक हाइड्रोजन का एक गो, अब 12 गो हाइड्रोजन है तब 12, फिर ऑक्सीजन 6 गो, तो एक ऑक्सीजन का 16, 6 गो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72, कृतिका 12 प्लस 16 6 96, जोड़ के कितना होगा बोले? कितना की थी जी कृतिका? टूएल छूट गया। एमयू कितना होगा कृतिका? शुगर का निकाल के भेजो जी, चीनी शुगर का बोला, ये 180 का बोली कृतिका। शुगर में यही सब है बाबू, C12H2O11, तो यही सब है, शुगर का निकालो जी। हाँ सर अब निकल गया। तो फिर शुगर निकालो, चीनी देश का नमक, देश का बाबू चीनी। तो सर इसका थी फॉर्मूला लिखने दो ना सर, अरे तो फार्मूला ग्लूकोचे वाला ना होता जी, सेम सेम होता कैसे होगा जी? चीनी का नहीं फार्मूला जानता वो, तो काले पड़ता है जी, चीनी तो सब बच्चा जानता है, नहीं जानता सी सर एच बाईस ओ 11 होता, कार्बन सर। हाइड्रोजन का ये। सही सर फॉर्मूला कैसे आता है ये भी बता दीजिए सर। अरे ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना है ठीक है ना, ये सब आपको का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कुछ चीनी का नमक का ग्लूकोज का ये सब याद रखना, कुछ कुछ चीज बाबू लर्न किया जाता है। आज लक्ष्मी खुश है बाबू, वाह भोली यही तो जिंदगी है लक्ष्मी की, नहीं बाबू लिखी नहीं ना जी, लक्ष्मी लिखी हो बोले कि नहीं लिखी हो जी? अच्छा है ना एकदम बाबू, भाई के बाबू प्यार में एकदम ये हो गई है, अबरी तो ना छोड़ेंगे बाबू, भर पेट पीटेंगे इसको, बार बार इसका भाई चाहता है। 22 AMU 422 AMU ठीक है कैलकुलेट करो, ठीक 422 AMU है कल सही है। सारे 3 बजे आना है, सब सारे बच्चे को 3 बजे आना बाबू, ठीक है बोला, इसको करके भेज देना, जाओ जी जाओ जिंदगी जी लो भाई, चाहिए वाला को पढ़ाने दो, 422 AMU जाओ जी जाओ बोला। कहाँ है दीति बाबू? पापा जी हैं दीति? अदिति मयंक पापा भी पापा, कहीं गए हैं। 342 AMU रिकॉर्डिंग तो अच्छा ठीक है, पापा सो सो गए। पापा जी कहेंगे तो सुबह कै बजे उठते हैं बाबू? अदिति सर 6 6 6:30 तक उठ जाते हैं। पापा अच्छा कल ही है, बात करते हैं, और कल कौन सा शिफ्ट पापा जी कल कर? आएंगे मतलब रहेंगे कल? नहीं अच्छा कल रहेंगे, दिन भर रहेंगे? सर नहीं पता सर, चले जाएंगे।